Chồng lên. आज आपण बनवणार आहोत मुरमुरेंची सुशीला. आपण प्रत्येक वेळेस पोहे करतो, पोहे खाऊन खाऊन कंटाळ येतो म्हणून ही वेगळ्या प्रकारची रेसिपी बनवत आहोत. त्यासाठी लागणारे साहित्य: अर्धा किलो मुरमुरे, एक वाटी शेंगदाणे, एक वाटी डाळ्या, चार कांदे, तीन टोमॅटो, हिरवी मिरची, चवीनुसार मीठ, मोहरी, हळद पावडर आणि जिरे. कढई तापलेली आपली. आता आपण कढईमध्ये तेल टाकतोय. शेंगदाणे छान तळून घ्यायचे. जिरे, कढीपत्ता, कांदा, मला परतून घ्यायचा. नंतर टोमॅटो टाकायचे. आता टोमॅटो टाकतोय आपण. हळद पावडर, डाळे, आता शेंगदाणे टाकून झालेले आहेत त्याच्यामध्ये. आता आपण मुरमुरे भिजवून घेत आहोत. आता शेंगदाणे, कांदा, टोमॅटो, डाळी सर्व परतून झालेलं आहे. आता आपण त्याच्यात हे भिजवलेले मुरमुरे टाकत आहोत. चवीनुसार आपण मीठ टाकतोय त्याच्यात. मीठ टाकल्यानंतर 5 मिनिटं व्यवस्थित परतून घ्यायचे. नंतर वरती कोथिंबीर टाकायची. अशा प्रकारे आपला हा सुशीला पदार्थ तयार झाला. ये दाने निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मैक्रोनी की जो मेकिंग चालू हो गई है, तो सबसे पहले जो रवा ले लिया जाता है, जिसको सूजी भी बोला जाता है, तो सबसे पहले मिक्सचर में ये जो ग्राइंड होगा और इसमें जो है फूड ग्रेड वाला कलर वाला पानी डाला जाता है, ताकि हल्का सा येलोइश कलर आ जाए.
और एकदम बढ़िया मैकरोनी जो है निकल गई। अब इसमें सूजी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है, और मिक्स करने के बाद जो ये सूजी है ये इस पाइप के थ्रू जाती है, कंटेनर में जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा, तब जो है मशीन पे आगे ये डाला जाता है, और यहाँ से जो है ये जाता है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है वैक्यूम बनता है, और ये एकदम थोड़ा गीला गीला हो गया है वाटर, जो हमारा सूजी है बैटर है, ये यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद जाएगा इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद करने के बाद ये जाएगा इस वैक्यूम ट्यूब के थ्रू, आप ये मशीन देख सकते हैं, इस वैक्यूम ट्यूब के थ्रू एकदम प्रेशर से जो है या मैकरोनी के जो है आप ये दाने निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली मैकरोनी बनाई जाती है, और इस ट्रे पे जो है लगातार ये नीचे गिरते रहते हैं। अरे वाह भाई, ये देखो भाई, बचपन में जो आप मैकरोनी खाते थे वो अब यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, और ये बिल्कुल रेडी है। इसके बाद अब थोड़ा सा इसको हीट लगाया जाएगा और तब ये रेडी हो जाएगी एकदम बराबर। ये देखो ट्रे भर चुकी है, ट्रे यहाँ पे जो है लगातार बदलते रहते हैं, ये देखो अब ये नई ट्रे लगा दी जाएगी, और कुछ भी गंदगी नहीं है नीचे, दूसरी ट्रे लगा रखी है, ये नहीं कि फर्श पे गिर रहा है वही यूज कर रहे हैं। ये देखो लगातार यहाँ पे मैकरोनी बनती रहती है, ट्रे बदलते रहते हैं, और मशीनें जो है चलती रहती हैं। तो आपको अब हीटिंग वाला प्रोसेस दिखाएंगे जब ये पूरी ट्रॉली भर जाएगी। तो ये ट्रे हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, और ट्रॉली बिल्कुल फुल हो चुकी है अंदर हीटिंग रूम में जाने के लिए। तो हम आपको दिखाते हैं कि हीटिंग रूम में कब तक ये हीट होती है। भैया ने मुझे बताया था 8 से 10 घंटे लगते हैं इसको हीट होने में, तो भाई इतना टाइम लेती है ये, तो भाई काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होने वाली है। ये जा रहा है हीटिंग रूम में, के फैन जो है चालू हो गए हैं, अब इसे 8 से 10 घंटे छोड़ा जाएगा भैया, ठीक है। तो अब इसको बंद कर लिया जाएगा, ये देखो अब 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे अपने हीटिंग रूम से, ये ऑफ हो गया है। तो भाई काफ़ी मेहनत का काम है, बड़ा ही टाइम लगता है इसको बनने में, तो एक वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है इसी चीज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं ये बंद कर दिया गया है, अब इसे बाहर निकाल लिया जाएगा। ये जो हमारी मैकरोनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा गर्म है, ये देखो ये भैया ने मुझे ट्रे निकाल के दिखा दी है। ये हमारी जो है मैकरोनी हो गई है बिल्कुल रेडी खाने वास्ते, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। खा के दिखा दिया भाई ने, ये देखो भाई, भाई कच्ची खा रहे हैं, है बहुत बढ़िया। तो आपने देखा हमारी फैक्ट्री में कितने साफ तरीके से मैकरोनी पास्ता वगैरह बनाया जा रहा है। हमारा इटालियनो ब्रांड है, हमारे पास और भी आइटम्स हैं जैसे फूसली पास्ता हो गया, पेने पास्ता हो गया। अगर आप होलसेल में ऑर्डर करना चाहते हो तो आप 8006 8006 11 पे कॉल कर सकते हो।